मध्य प्रदेश के मोहन सरकार मंचों से बड़े बड़े दावे करती है। दावे इस बात के करती है कि सरकार के पास पर्याप्त पैसे हैं, लेकिन विभागों की स्थिति बिल्कुल इसके उलट है। कर्ज की मोहन सरकार इधर उधर से फंड जुटाकर अपना गुजारा कर रही है। इसी बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें एमपी की मोहन सरकार ने लाडली लक्ष्मी, पीएम जन आरोग्य यानी कि आयुष्मान भारत और महाकाल विकास समेत 47 विभागों की 125 योजनाओं के फंड पर ब्रेक लगा दिया है। इस महीने की शुरुआत में राज्य के बजट के बाद वित्त विभाग ने निर्देश दिया कि इन योजनाओं के लिए पैसा उसकी अनुमति के बिना नहीं निकाला जा सकता है। यही वजह है कि लाडली लक्ष्मी और 124 अन्य योजनाओं का फंड रुका हुआ है। बजट पेश करने के एक हफ्ते के बाद 10 जुलाई को एमपी सरकार ने राज्य के लिए एक जेट विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, लेकिन अब राम वन गमन पथ, मंत्रियों के बंगलों का नवीनीकरण और तीर्थ यात्रा योजना सहित कई प्रमुख योजनाओं के लिए धन रोकने का फैसला किया गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को फंड होल्ड सूची में डाली गई परियोजनाओं के मामले में सबसे बड़ी मार पड़ी है। इसके बाद शहरी विकास और आवास विभाग, किसान कल्याण और कृषि विकास का स्थान है। वित्त विभाग की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक लोक स्वास्थ्य और किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं की भी राशि बिना मंजूरी के नहीं निकाली जा सकेगी। हालांकि वित्त विभाग के अधिकारी इस सख्ती के बारे में बताने में विफल रहे। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फंड का उपयोग संसाधनों की उपलब्धता और सरकार की प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसे निर्देश आम तौर पर बजट के बाद जारी किए जाते हैं। वहीं नवभारत टाइम्स रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अन्य अधिकारी ने कहा कि फंड निकालने से पहले वित्त विभाग की अनुमति लेने का मतलब यह नहीं है कि योजना बंद हो गई है, लेकिन इससे कई विभागों को योजनाओं के लिए वित्त विभाग से संपर्क करने में परेशानी होगी। सरकार की प्रमुख वित्तीय जिम्मेदारियों में लाडली बहना योजना भी शामिल है, जिस पर हर महीने करीब 1,600 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। यह योजना पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले शुरू की गई थी और इसे बीजेपी के लिए गेम चेंजर बताया गया था। अच्छी बात यह है कि इस योजना के लिए अभी तक पैसे की कमी नहीं हुई है। आपको बता दें कि पिछले साल नवंबर में विधानसभा चुनाव के बाद बनी नई सरकार को 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज विरासत में मिला था। मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में 42,500 करोड़ रुपए का ऋण लिया था। इसमें से नई मोहन सरकार ने मार्च तक केवल 3 महीनों में 17,500 करोड़ रुपए लोन में लिए थे।